Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed, and today's video I am going to talk about protein. First year की biology से topic है. So देखते हैं कि protein basically क्या है. तो protein का word जो है ना, ये Greek word से लिया है. Greek word से लिया है. और इसका मतलब है प्रोटोज. प्रोटोज का मतलब होता है that is called first, F-I-R-S-T, first. या इसको primary भी कहते हैं, इसको prime भी कहते हैं. यानी जो प्रोटीन का वर्ड है प्रोटोज से लिया है, इसका मतलब होता है फर्स्ट यानी इम्पोर्टेंट. यानी हमारे बॉडी में पानी के अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली प्रोटीन है. अब बात करते हैं हमारे बॉडी में जो है ना, ये मोस्ट अबंडेंट होता है. मोस्ट अबंडेंट होता है, अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है. कहाँ पे? सेल के अंदर. सेल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सेल. दूसरा बात ये है कि ये जो है ना क्या करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर स्ट्रक्चर. यानी सेल के स्ट्रक्चर में ये बहुत आम रोल प्ले करता है. स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर बनाने में ये बहुत हेल्प करता है. इसके अलावा इनमें से कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो अगर हम एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा सल्फर भी मौजूद होते हैं. कुछ ऐसे प्रोटीन है जिनमें से सल्फर भी मौजूद होता है. इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोटीन बेसिकली क्या है, प्रोटीन की अगर बात कर लेते हैं ना, ये प्रोटीन जो है ना बेसिकली क्या है, ये पॉलीमर्स हैं. पॉलीमर्स कहते हैं ना लार्ज, यानी लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल्स. और ये किस चीज से बना है, इसकी जो यूनिट है उसका नाम है अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड क्या होता है, ये जो अमाइनो एसिड है इसको कहते हैं मोनोमर्स. ये क्या है, मोनोमर्स. मोनोमर्स कहते हैं स्मॉल. तो ये क्या मोनोमर्स, क्या है अमाइनो एसिड. प्रोटीन किससे बना है, ये अमाइनो एसिड से बना है. मोनोमर मिलके पॉलीमर्स बनाता है. अभी तक बहुत से प्रोटीन जो है ना वो नाउन हुआ है, बहुत से अमाइनो एसिड नाउन हुआ है. और अभी तक तकरीबन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है ना वो क्या है, नाउन हुआ है, अमाइनो एसिड्स जो है. और इनकी जो नंबर है, नंबर इसकी जो नंबर है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये मिलके क्या बनाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाता है. हजार यानी सैकड़ों से लेकर हजारों तक, हजारों तक ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाता है. That is called here types of protein. Types of proteins जो है ना ये बनाता है. ये एक point था जो book में given है. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि protein basically amino acid से बनता है. तो amino acid जो है ना, amino acid का structure किस तरह है, तो वो हम draw करने की कोशिश करते हैं कि amino acid का structure किस तरह है. तो देखते हैं कि amino acid का जो structure है वो किस तरह है. तो इसको discuss कर लेते हैं. अच्छा, अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, तो इनमें से चार ग्रुप्स बेसिकली होते हैं. तो हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यू होता है. स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड हम डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड. तो सबसे पहला इनमें से कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है. इनमें से क्या होता है, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है. ये इनमें से ऑक्सीजन और यहां से ओ माइनस, यहां पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसको. बट इसे जो H जो है वो रिमूव हुआ है. H इससे क्या होता है, रिमूव होता है. बट ये आपके पास जो बुक में गिवन है, इसको कहते हैं कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप. इसका नाम क्या है, कार्बो ऑक्साइल और ऑक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है. ये है. इसके बाद जो सेंटर कार्बन होता है, जिस सेंटर कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन, इसको हम क्या नाम रखेंगे, अल्फा कार्बन भी कहते हैं. अल्फा कार्बन के साथ तीसरा जो होगा वो हाइड्रोजन होगा. यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के बाद R होगा. R क्या है, अल्काइल ग्रुप. अभी मैं बात करता हूं. यहां पे आपके पास क्या चीज होगा, ये तो आपके पास अल्फा कार्बन होगा. इस कार्बन के साथ एन अमाइनो ग्रुप होगा. कौन सा होगा, अगर हम यहां से बात कर लेते हैं तो यहां से क्या होगा, NH3 पॉजिटिव. यहां से जो है H यहां पे आया है. तो अब इसको देखते हैं, ये जो ग्रुप है इसका नाम है अमाइन ग्रुप. इसका नाम क्या है, अमाइन ग्रुप है. दैट इज कॉल्ड हियर अमाइन ग्रुप.
और ये यही आपके पास हाइड्रोजन है। तो आप देखिए एक अमाइनो स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में फोर कंपोनेंट्स, फोर ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप नंबर वन का नाम है दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ग्रुप नंबर टू यानी हाइड्रोजन, ग्रुप नंबर थ्री आपके पास क्या अमाइन ग्रुप, फोर्थ नंबर ग्रुप जो है ना ये तीन, ये जो वन टू थ्री ये तीन कांस्टेंट होता है, ये सारे अमाइनो एसिड में एक जैसे होते हैं। ये जो आर ग्रुप है जिसको हम कहते हैं आर, ये बेसिकली क्या होता है, या तो ये अल्काइल हो सकता है, अल्काइल अगर नहीं है तो हाइड्रोजन हो सकता है। और आपको पता है ये वेरिएबल होता है, ये इसको कहते हैं वेरिएबल होता है, और इसी वजह से अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एस आर अल्काइल ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब हम कुछ बुक में एक एग्जाम्पल है वो डिस्कस करते हैं कि बुक में एक एग्जाम्पल है जो सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन, जिसका नाम है ग्लाइसिन जो है ना हम ड्रॉ करते हैं, तो स्ट्रक्चर एक जैसा है, थोड़ा सा फर्क है कि अगर हम इस तरह कर लेते हैं, यू कर लेते हैं और यहां से आपके पास ऑक्सीजन होता है, यहां पे सी, और अगर हम इसको हाइड्रोजन और इस भी हाइड्रोजन कर लेते हैं और एनएच एनएच थ्री कर लेते हैं पॉजिटिव, तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। हमने सिर्फ आर के बजाय हाइड्रोजन लगाया और ये क्या हुआ, बाकी तीन कांस्टेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन और अमाइन ग्रुप जो है वो कांस्टेंट रहे। दूसरा एक बुक में एक एग्जांपल क्या है, गिवन है दैट्स का लाइसिन, जो लाइसिन का स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं कि लाइसिन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। वो भी इस तरह है कि सी डबल बॉन्ड और उसके साथ ये वाला, तो आपके पास क्या है सी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास सी एच टू, फिर सी एच टू और फिर आपके पास सी एच टू और सी एच टू के बाद आपके पास एन और एच थ्री पॉजिटिव जो है आपको नजर आएगा, और ये आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास एन एच यानी जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थ्री। अगर आप ये देख लेना इनमें से बाकी वही चीज आपको नजर आता है, सिर्फ ये जो ग्रुप है ये वाला आर ग्रुप ये चेंज हुआ है, बाकी सेम है, ये इसको कहते हैं लाइसिन। और एक और है जिसको हम नाम देंगे पेनाइलिन जिसको कहते हैं, तो पेनाइलिन भी यहां से हम ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं कि वो कुछ यू होता है, जो पेनाइलिन है वो हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, पेना पेनालिन जो है ना इसकी स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के यू होता है कि यहां से ऑक्सीजन के साथ और यहां से ऑक्सीजन के साथ, यहां से कार्बन है, कार्बन से नीचे क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहां से आपके पास NH NH3 होगा, यहां से एक पॉजिटिव इसको कहते हैं, यहां से कार्बन से CH2 और CH2 से फिर क्या होगा, यहां से देख लेते हैं, यहां से इस तरह के स्ट्रक्चर, यहां से इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहां से हम देख लेते हैं ये देखो ये वाला और यहां से ये वाला, यहां से कार्बन होगा। अब हम यहां पे डबल बॉन्ड को मेंशन करते हैं, ये वाला ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे पेनाइलिन, यानी इसको यानी पेनाइलिन का स्ट्रक्चर जो हम दे सकते हैं। तो ये अमाइनो एसिड किसकी वजह से डिफरेंस है, सिर्फ इनमें से जो ग्रुप है वो दैट इज कॉल्ड आर ग्रुप, आर ग्रुप की वजह से डिफरेंट होते हैं। अब आपको पता है इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, तो वो हम देख लेंगे कि इसका जो बॉन्ड का नाम है वो क्या है और बॉन्ड बनता किस तरह है। तो हमें पता है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, तो फिर पेप्टाइड बॉन्ड और डाइपेप्टाइड बॉन्ड में क्या फर्क है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो हम सिंपली कहते हैं ये वो बॉन्ड बॉन्ड है जो अमाइनो एसिड के दरमियान होता है। ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये वो बॉन्ड है जो किसके दरमियान होता है, अमाइनो एसिड के दरमियान होता है, अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है। और अगर हम डाइपेप्टाइड की बात कर लेते हैं तो डाई का मतलब क्या होता है, टू, पेप्टाइड का मतलब होता है पेप्टाइड, ऐसे मुराद होता है बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान होता है, टू अमाइनो एसिड के दरमियान होता है, अमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड का नाम क्या होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। चलो देख लेते हैं क्योंकि हमें इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कंडेंसेशन भी कहते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ना कि ये हमारे पास क्या है, सी है, इसके साथ क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे OH है, ये कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां पे आपके पास कार्बन है, कार्बन के साथ यहां पे हाइड्रोजन भी अटैच करते हैं, यहां पे आपके पास N है और यहां पे आपके पास H और H बना। अब यहां पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास यहां पे N है और N के साथ क्या है, यहां पे हाइड्रोजन है,
यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे हम कार्बन, कार्बन के ऊपर नीचे जो है वो आर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास सी डबल बॉन्ड और इसके साथ क्या है OH। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा चीज बनना है, इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को भी देखते हैं, इससे क्या होगा, इससे ये जो OH है ये रिमूव हो जाएगा। वाटर चूंकि इसमें बनना है तो वाटर इससे क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और इस बॉन्ड को हम फिर क्या नाम देंगे, डाइपेप्टाइड, क्योंकि ये दो माइनस के दरमियान बन गया। अब इसको हम देख लेते हैं कि यहां पे वापस यानी N और यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पे बस सी ऊपर से हाइड्रोजन नीचे से आपके पास R। अब क्या बन गया ये वाला, ये आपके पास क्या बनना है, तो ये जो आपके पास बन गया सी डबल बॉन्ड और यहां से H रिमूव हुआ, तो N के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला, ये जो अब बॉन्ड बन रहा है तो ये किसके दरमियान, N नाइट्रोजन के दरमियान। और ये क्या हुआ, नीचे आपके पास हाइड्रोजन बनते जाएगा और हाइड्रोजन के बाद C और प्लस आपके पास H नीचे R और यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड और H और बन गया। अब ये जो ग्रुप है प्लस आपके पास H2O भी बनेगा, ये जो बॉन्ड बन गया कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड का नाम है, इस बॉन्ड को हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड है। और चूंकि दो माइनस के दरमियान बन गया तो इसको हम डाइपेप्टाइड भी कह सकते हैं। और ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम डी यानी कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा यहां पे एक और पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि हमें पता है जो अमाइनो एसिड होता है ना, अमाइनो एसिड, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलता है, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, और इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसको हमें पता है कि इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड है ये हमें डिटरमाइन करता है, हमें पता लगता है कि विच विच प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड, ये ऑर्डर हमें क्या शो करता है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, यानी कौन सा प्रोटीन जो है वो बनना है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं प्रोटीन मेड। इसके साथ एक और पॉइंट भी है, वो ये है कि बोल्ड यानी जो प्रोटीन होते हैं ना वो यूजुअली कौन से फॉर्म में मौजूद होते हैं, प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन ये ज्यादातर आपको मल्टीपल अमाइनो एसिड मिलेगा, मल्टीपल से क्या मुराद है, यानी बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड होते हैं, मल्टीपल मल्टीपल अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये आपको पता है क्या है, ये अमाइनो एसिड चेंज बनाते हैं, चेंज चेंज बनाते हैं, और ये जो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, तो आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जो है वो लिंक होते हैं, और जब पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए लिंक होते हैं ना, तो ये फिर क्या बनाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा तो इनमें से आता है, इसमें से जो एग्जाम्पल है उसका नाम है हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन जो है ना, ग्लोबिन, इनमें से चेंज मौजूद होते हैं, अल्फा और बीटा वो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा इंसुलिन जो है, इंसुलिन जो है ना ये भी इसमें आता है, इंसुलिन जो है ना ये भी आता है। तो इनमें से जो अमाइनो एसिड होंगे वो चेंज के फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये था आज